हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीतास किचन, टेस्टी फूड फॉर यू। तो जैसा कि हर बार मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आती हूँ, आज भी एक रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी पुरानी है लेकिन स्वाद नया है, अंदाज नया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी रेसिपी दोस्तों के संग शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीतास किचन, टेस्टी फूड फॉर यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज आपके लिए अपने किचन में लेके आई हूँ कटीले परवल की सब्जी। तो ये बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे ज़रूर बनाइए, और ये बहुत सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कटीले परवल ले लिए हैं और इनमें की जो डंठल है वो मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे कट कर लेंगे डंठल और इनको हम ऐसे काटेंगे बीच से। अगर आप चाहें तो चार कर सकते हैं, नहीं तो आप दो ही रखिए। तो ये मेरे बहुत छोटे हैं साइज में, तो हम इनको सिर्फ दो बार कट करेंगे। तो चलिए हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे कटीले परवल काट लिए हैं और इनको अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए हम अब इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं डालूंगी तेल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हो गया है और इसमें मैं डालूंगी एक बारीक कटा हुआ प्याज और ये मेरी दो हरी मिर्च हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज के तुरंत बाद मैंने अपने परवल भी डाल दिए इसी में ताकि अच्छे से तल जाएं। चलिए उसके बाद हम अपना आगे देखते हैं क्या करना है हमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया है, कट कर लिया है, और एक लहसुन है मेरा, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज और लहसुन पीस गया है। तो ये आपको थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा होगा, मैंने इसमें सुबह धनिया पीसी थी जार में, उसी में मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए, हमारे परवल भी अच्छे से लाल हो गए हैं और प्याज भी लाल हो गया है। तो अब हम इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया है लहसुन प्याज का, इसमें डाल देंगे। और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है और हम इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। हम इसे जितना ही अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारी सब्जी का टेस्ट आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन प्याज अच्छे से हो गया, आप देख सकते हैं एकदम लाल हो गया है। और अब मैं डालूंगी इसमें अपने मसाले। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच डाल लूँगी हल्दी पाउडर और ये मेरा दो चम्मच है धनिया पाउडर और ये आधा चम्मच है मेरा गरम मसाला और ये एक चम्मच है मेरी भुनी हुई धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे दो से तीन मिनट भूनने देंगे। गैस हमें धीमी रखनी है, तेज नहीं करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से हो गया है और अब हम डालना है इसमें एक चम्मच नमक। ये आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो आपको जितना भी गाढ़ा रसा रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाला है एक गिलास पानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक गिलास पानी डालने के बाद पानी अच्छे से खौलने लगा है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढकूंगी, उसके बाद हमारी सब्जी एकदम तैयार होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ढक देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार है और अब हम अपनी गैस बंद कर लेंगे और इसे कटोरे में पलट लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्व कर लिया है और अब हम इसे देने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।